हाँ जी सत श्री अकाल जी, तुहाडे अपने प्यारे चैनल स्टडी बहरप्रीत में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक और अप्रेंटिसशिप भर्ती आउट कर दी गई है जिस विच 10वीं वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही वधिया तुहाडे कोल मौका, तो लास्ट डेट हैगी 26 अप्रैल 2022। इस तो पहले पहले तुसीं अप्लाई कर लेना। बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्वालिफिकेशन सारी जानकारी इस वीडियो में देवगा, तो कृपा करके वीडियो में पूरा जरूर देखना। तो चैनल तो पहली बार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो वधिया लगती है वीडियो कर देना लाइक। तो शुरू कर दें अज की वीडियो में। वीडियो शुरू कर तो पहले तुहाडे हमेशा की रिक्वेस्ट रहती है वीडियो में कृपा करके पूरा जरूर देखा करो। वीडियो में तुम पूरा नहीं देखते तो फिर तुहाडे बहुत कमेंट आने लग जाए। एज की, क्वालिफिकेशन की, सिलेक्शन प्रोसैस की है सारा कुछ दसांगे इस वीडियो में। कृपा करके वीडियो में पूरा जरूर देखना। तो बहुत ही वधिया तुहाडे कोल मौका है जो अप्रेंटिसशिप भर्ती आउट कर दी गई है। तो शुरू करते हैं अज की वीडियो में। पहला आप गल करते हैं इन दो तरह पोस्टां आउट की गई, एक हैगी नॉन आई टी आई तो एक हैगी आई टी आई। नॉन आई टी आई 10वीं वाले अपलाई कर सकते, आई टी आई आई टी आई वाले अपलाई कर सकते हो। तो आ डिटेल दी आई टी आई सीट्स की, तो आएगी नॉन आई टी आई सीट्स की, ठीक है। तो आ ट्रेड दिते ने सारे, फिटर है, कारपेंटर है, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, वैल्डर, इलैक्ट्रीशियन सारा कुछ दिता। तो टोटल आप गल करिए इन 300 आउट की गई ने। तो अगर जमें नॉन आई टी आई की गल करिए इन ट्रेड जो रहने वाले सेम ही रहने वाले ने, तो इन टोटल आउट की गई 74 आउट की गई ने। तो बाकी तुम्हें अगर दसना सारी डिटेल, तो कृपा करके वीडियो में पूरा जरूर देखना। पहला आप गल करते हैं एज की। एज इन आप गल करिए जो नॉन आई टी आई यानी कि 10वीं वाले इन वास्ते रखी गई है जी 15 तो लैके 22 साल नॉन आई टी आई वाले ने। तो आई टी आई वाले की गल करिए तो इन्हें वास्ते रखी गई जी 15 तो लैके 24 साल, ठीक है। 15 तो लैके 24 साल रखी गई है जो एज लिमिट इन वैल्डर ट्रेड तो कारपेंटर, ठीक है, इन्होंने वास्ते रखी गई 15 तो 22 साल। इन जो एज रिलैक्शन दिता जाता, तुम्हें पता एज रिलैक्शन दिता जाता जो कैटागरी रिजर्व कैटागरी है जिमें एस सी तो एस टी दिता जाएगा जी 5 साल का जो एज रिलैक्शन, 5 साल की छूट दी जाएगी। तो ओ बी सी दी जाएगी 3 साल की छूट। तो फिजिकल हैंडीकैप जो जनरल 10 साल, एस सी एस टी 15 साल, ओ बी सी 13 साल। तो बाकी सारा कुछ दिता है वेख लेना जो भी है। पी डी एफ तुम्हें मिल जाएगा मेरे टैलीग्राम ग्रुप, टैलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन जरूर कर लो। इन आप सिलैक्शन प्रोसेस की गल करिए इन सिलैक्शन रहेगा मैरिट लिस्ट बनेगी जो करे नॉन आई टी आई वाले अपलाई, ठीक है। उनके वास्ते 10वीं के परसेंट थोड़े होना थ्रू थोड़ी मैरिट लिस्ट बनेगी। मिनीम घट्टो घट्ट 50% मार्क्स चाहिए ने। तो जो करे आई टी आई वाले अपलाई, ठीक है, उन्होंने बनेगी आई टी आई थ्रू थोड़ी मैरिट लिस्ट बनेगी। तो आई टी आई जो आई टी आई जो भी थोड़े परसेंट ने 10वीं आई टी आई, ठीक है, उन्होंने थ्रू थोड़ी मैरिट बनेगी। तो बाकी इन्हें लिखा है वेख लेना, इतना सारा कुछ दिता अपलाई करने तो पहले एक बार पढ़ लेना, तो उस तो बाद ही अपलाई करना। जेकर इन दो कैंडीडेट होंगे जिमें उन्होंने सेम मार्क्स जिमें इको जे मार्क्स दोवे होंगे ने, तो उन्होंने एज जो वेखी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा आएगी तो उसनों सिलेक्ट किया जाएगा, पहल दी जाएगी। जे तुहाडे मार्क्स में दोवे बराबर बराबर होंगे ना तो एज वेखी जाएगी, ठीक है। तो जिसकी एज ज़्यादा आएगी तो उसनों पहल दी जाएगी, पहला उसनों सिलेक्ट किया जाएगा। तो जेकर तुहाडी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हुंदी है तो फिर तुहाडे 10वीं वेखणगे 10वीं जिसने पहला की, ठीक है, तो उसनों पहल दी जाएगी, उसनों पहला सिलेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की गल करिए 100 रुपया रखी गई जो है अपने एस सी एस टी पी एच तो वूमेन कैंडीडेट, इन्होंने वास्ते कोई फीस नहीं रखी गई है। अपलाई तुसी करना जी ऑनलाइन अपलाई करना, आ सारा कुछ दिता है इंट्रैक्शन वगैरह जो भी है पढ़ लेना, तो उस तो बाद ही अपलाई करना। ये जो भर्ती आउट की गई जो अप्रेंटिसशिप आउट की गई इंडियन रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्कस वाराणसी इन्होंने वालों आउट कर दी गई है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट अपलाई करना चाहते हैं अपलाई कर सकते हो। तो टोटल इन्हें सीट्स की गल करिए 374 आउट की गई, 300 आई टी आई वाले, 74 नॉन आई टी आई वाले, ठीक है, इन्होंने वास्ते आउट कर दी गई ने। इन्हें आप क्वालिफिकेशन की करिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है जो नॉन आई टी आई वाले, ठीक है, इन्होंने वास्ते रखी गई 10वीं क्लास पास,
ਤੇ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਟੀਆਈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਨਸੀਬੀਟੀ ਤੇ ਐਸਸੀਬੀਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਆਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੋ ਭਰਤੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਿਪ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।